दोस्तों आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि आप लोग ड्रीम इलेवन जो आपका यूपीआई आईडी होता है, ठीक है, मीन्स की जो ड्रीम इलेवन में आपका यूपीआई आईडी होता है इसको यहाँ पर कैसे ऐड कर सकते हैं, ड्रीम इलेवन में यूपीआई आईडी को आप कैसे वेरीफाई कर सकते हैं, वो चीज़ मैं आपको आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ। और जिस तरह से मैं आपको सिखाऊंगा 100% आप लोग यहाँ पर यूपीआई को भाई ऐड कर लोगे, क्योंकि दोस्तों आपको पता हो कि दोस्तों आज की डेट में बहुत सारे लोग हैं जो यूपीआई से ड्रीम इलेवन से विड्रॉ करना चाहते हैं लेकिन वो मतलब कि यूपीआई को ऐड नहीं करने पाते। तो आज की ये वीडियो भाई पूरा देख लेना, आपका हर एक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर दोस्तों यूपीआई को वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, यहां पर देख सकते हैं जो आपका ड्रीम इलेवन को खोलना है, उसके बाद ये आपका जो प्रोफाइल का वाला ऑप्शन है ना, आपको भाई इस पर क्लिक करना है, इस पर यहां से आपको क्लिक करना है। इस पर दोस्तों आप जैसे क्लिक कर लोगे ना तो यहां पर देख सकते हैं आपको एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा माई बैलेंस का ऑप्शन, इस पर आपको सिंपली क्लिक करना है। इस पर दोस्तों आप जैसे क्लिक कर लेंगे तो यहाँ पर अब आपको देखने को मिलेगा, देख सकते हैं ये आप थोड़ा सा नीचे आना एंड यहाँ पर दोस्तों आपको एक माई केवाईसी डिटेल मतलब कि डिटेल का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, सिंपली आपको क्लिक करना। इस पर आप जैसे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं जो मेरा यूपीआई है, यहाँ पर मेरा यूपीआई भाई वेरीफाई हो चुका है, ठीक है। और मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर आप कैसे भाई वेरीफाई कर सकते हो, मैं पूरा तरीका मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों यूपीआई को दोस्तों वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले तो आपको यहाँ पर चेक करना है कि जो आपका ये फ़ोन नंबर है, ये फ़ोन नंबर आपका वेरीफाई है या फिर नहीं है, लेकिन ऑलमोस्ट मुझे इतना पता है कि आपका फ़ोन नंबर यहाँ पर आपका पहले से आपका वेरीफाई होगा, क्योंकि जब आप ड्रीम इलेवन अकाउंट को बनाए होंगे तो ही यहाँ पर जो आपका फ़ोन नंबर आपका वेरीफाई हो जाता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों मान लो कि आप फ़ोन नंबर को वेरीफाई कर लिए, उसके बाद यहाँ पर दोस्तों आपको देखने को मिलेगा ईमेल एड्रेस का ऑप्शन, तो यहाँ पर दोस्तों आपको चेक करना है कि जो आपका ईमेल एड्रेस है वो ईमेल एड्रेस आपका ड्रीम इलेवन में इस तरह से दोस्तों वेरीफाई दिखा रहा है या फिर नहीं दिखा रहा। अगर वेरीफाई नहीं दिखा रहा तो आपको ईमेल एड्रेस को दोस्तों डाल करके यहाँ पर सिंपली आपको वेरीफाई कर लेना, ठीक है। क्योंकि दोस्तों जब तक यहाँ पर आप लोग अपने मतलब कि जो आपका ईमेल एड्रेस है, जब तक ईमेल एड्रेस को भाई वेरीफाई नहीं करोगे तब तक यहाँ से आप लोग नेक्स्ट प्रोसेस में मतलब कि नहीं जा सकते हो, ठीक है। उसके बाद दोस्तों जब आप यहाँ पर लोग ड्रीम इलेवन में जो कि ईमेल एड्रेस है मान लो इसको भी आप वेरीफाई कर लिया, उसके बाद यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा पैन कार्ड का ऑप्शन, तो सिंपली क्या करना, आपको पैन कार्ड को भी जाकर के आपको वेरीफाई करना। बिना पैन कार्ड का दोस्तों यहाँ पर आप लोग ना ही यूपीआई को ऐड कर सकते हो और ना ही आप लोग जो आपका बैंक अकाउंट है बैंक अकाउंट को वेरीफाई नहीं कर सकते। यहाँ पर तो सबसे पहले आपको पैन कार्ड को यहाँ पर आपको वेरीफाई करना, और एक बात का दोस्तों ख्याल रखना कि आप जिसका भी पैन कार्ड वेरीफाई करो, मान लो कि आप अपना पैन कार्ड वेरीफाई करो, ठीक है, तो आपको अपना ही आपको यूपीआई आपको डालना है, ये नहीं कि आप अपना पैन कार्ड यहाँ पर वेरीफाई किए और आप अपना दोस्त का यूपीआई मतलब कि यूपीआई को वेरीफाई कर रहे हैं, वैसा करोगे तो यहाँ पर इस कंडीशन में आपका जो यूपीआई है आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये आप बात मतलब बात को समझ कर करना कि जिसका पैन कार्ड यहाँ पर डाल रहे हो उसका पैन कार्ड मतलब उसका ही यूपीआई को यहाँ पर आपको डालना। मान लो कि जब यहाँ पर आप लोग पैन कार्ड को वेरीफाई कर लोगे, ईमेल एड्रेस मोबाइल नंबर को वेरीफाई कर लोगे, तो उसके नीचे आपको देखने को मिलेगा बैंक अकाउंट का ऑप्शन, तो सिंपली क्या करना, क्या करना है आपको बैंक अकाउंट में जाकर के आपको बैंक अकाउंट को भी आपको वेरीफाई करना। अगर आप लोग ईमेल एड्रेस पैन कार्ड बैंक अकाउंट को वेरीफाई करना नहीं जानते तो उसके ऊपर मैंने काफ़ी सारी वीडियो बना करके रखा, जाकर के आप मेरी चैनल से देख सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जब आप लोग अपने बैंक अकाउंट को वेरीफाई कर लोगे, पैन कार्ड को वेरीफाई कर लोगे, ईमेल एड्रेस को वेरीफाई कर लोगे, फोन नंबर को वेरीफाई कर लोगे, तो उसके नीचे यहाँ पर दोस्तों आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, यूपीआई का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। तो आपको सिंपली क्या करना, यहाँ पर जो है ना देख सकते हैं मेरा पहले से मेरा यूपीआई वेरीफाई, तो यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना, यहाँ पर यूपीआई के बगल में मैं आपको बता रहा हूँ, बस मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मेरा यूपीआई वेरीफाई है तो मैं आपको प्रैक्टिकली मैं आपको करके नहीं दिखा पा रहा हूँ, ठीक है, मैं आपको समझा रहा हूँ कि आपको कैसे करना है, ठीक है, इसलिए समझिएगा। मैं यहाँ पर दोस्तों जब इतना चीज़ जब वेरीफाई कर लोगे ना तो इसके नीचे दोस्तों आपको यूपीआई का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा और उसके बगल में यहाँ पर आपको एक वेरीफाई का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, बस उस वेरीफाई पे दोस्तों आपको सिंपली क्लिक करना, मीन्स उस वेरीफाई पे आपको सिंपली क्लिक करना, ठीक है। उस वेरीफाई पे जैसे क्लिक कर देंगे तो उसके सबसे मतलब कि यहाँ पर सबसे नीचे में आपको यूपीआई डालने का ऑप्शन आएगा, तो जो भी आपका यूपीआई आईडी होगा आपको अपने यूपीआई आईडी को भाई यहाँ पर आपको डाल देना, यूपीआई आईडी को डाल करके आप जैसे सबमिट करोगे इंस्टेंट भाई बता रहा हूँ 2 से 3 मिनट के अंदर जो आपका यूपीआई है आपका यूपीआई यहाँ पर आपका वेरीफाई हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों आप लोग ड्रीम इलेवन में यूपीआई को भाई वेरीफाई कर सकते हो। सबसे पहले को क्या करना कि यहाँ पर आपको ये चारों चीज़ को दोस्तों वेरीफाई करना, उसके बाद यहाँ पर आपको यूपीआई का ऑप्शन मतलब दिखेगा, उसके बगल में वेरीफाई का ऑप्शन दिखेगा, उस वेरीफाई पर क्लिक करना एंड आपको अपना यूपीआई को एंटर करना है, आपका जो भी यूपीआई आईडी होगा यूपीआई आईडी को डालना है, यहाँ पर आपको सिंपली वेरीफाई या फिर सबमिट पर आपको क्लिक कर देना, आपका यूपीआई आईडी यहाँ पर आपका वेरीफाई हो जाएगा और जो भी पैसा यहाँ पर विन करो, जो भी पैसा ड्रीम इलेवन में जीतोगे वो पैसा को आप सिंपली अपने फोन पे होगी या पेटीएम होगी अपने यूपीआई में विड्रॉल कर पाओगे, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों आप लोग ड्रीम इलेवन में यूपीआई को वेरीफाई कर सकते हो, उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे, ठीक है। और अगर किसी प्रकार का प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल को जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं फिर से वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।